हाय गाइज, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइज, आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ लहंगास। दोनों ही काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल होने वाले हैं और दोनों ही मैंने शॉप किए हैं फ्लिपकार्ट से। सो गाइज, यहाँ पर मैं आपके साथ दो लहंगे शेयर करने वाली हूँ और दोनों ही लहंगे मैंने अंडर 500 सेलेक्ट किए हैं। मैंने इन लहंगास को जस्ट इनकी क्वालिटी चेक करने के लिए परचेज किया था। क्या इतने कम प्राइस में कुछ ढंग के कपड़े हमें रिसीव हो सकते हैं जिन्हें हम सचमुच वेयर कर पाएँ? तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। सारी डिटेल्स मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि इनकी क्वालिटी कैसी है, इनकी लेंथ विड्थ सब कुछ मैं डिटेल में आपको बताऊंगी। तो चलिए आप देर नहीं करते हैं, फटाफट से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। वो दोनों के ही प्राइसेस मैं स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगी और लिंक दोनों के मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। सो गाइज, यहाँ पर मैंने फेस्टिव सीजन और वेडिंग को ध्यान में रखते हुए लहंगास परचेस किए हैं। तो जो सबसे पहला लहंगा मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है ये रेड कलर का लहंगा। फैब्रिक की बात करूँ तो नेट फैब्रिक में लहंगा आपको रिसीव होता है। एज़ यू कैन सी, सबसे पहले यहाँ देख लीजिए, ये आपको इतनी चौड़ी सैटन की बेल्ट मिल जाती है। अंदर जो फैब्रिक इस्तेमाल किया है इन्होंने, ये सैटन फैब्रिक इस्तेमाल किया है एंड ऊपर से पूरा ही नेट का लहंगा है। एंड नेट पर आप देख सकते हो यहाँ पर पूरा ही सिक्वेन वर्क हो रखा है। पास से देख लीजिए, क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, बिल्कुल भी चीप नहीं लग रहा है एंड नेट की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। मैं प्राइस वाइज क्वालिटी अच्छी बोलूँगी। देख सकते हो आप, देखने में भी काफ़ी अच्छा है। एज़ यू कैन सी, जो अंदर इन्होंने फैब्रिक प्रोवाइड किया है सैटिन का, वो भी उसकी भी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। बिल्कुल हल्का वाला सैटिन फैब्रिक नहीं है, फैब्रिक काफ़ी रिच है, देख सकते हो। एंड शाइन भी काफ़ी अच्छी है इसमें। पूरा ही गैदर्स बना करके इसका घेरा बनाया गया है। एज़ यू कैन सी, ट्राई ऑन में पूरा लुक समझ में आ जाएगा आपको। ऑल ओवर लहंगे पर आपको सितारा वर्क मिल जाता है। दूर से काफ़ी ज़्यादा प्रिटी लगता है देखने पे, उतना भी नहीं समझ में आता है कि ये लहंगा आपने इतने कम दाम में ख़रीदा है, देख सकते हो। एंड नीचे आपको यहाँ पर सैटिन का बॉर्डर मिल जाता है, देख सकते हो। प्राइस वाइज लहंगे की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। इसके साथ आपको जो ब्लाउज़ पीस रिसीव होता है, देख सकते हो इतना आपको सैटिन फैब्रिक रिसीव होता है, जिसमें आप आई थिंक डबल एक्सल वालों तक भी ब्लाउज़ आराम से स्टिच हो जाएगा। और यहाँ पर इन्होंने इतना नेट का फैब्रिक भी दे रखा है, देख सकते हो। ये इसमें अटैच है और आप इसे निकाल के इजीली अपना ब्लाउज़ स्टिच करवा सकते हो। बट मैं यहाँ पर आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आप उतना इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हो ब्लाउज़ में, तो आप कोई भी कंट्रास्ट ब्लाउज़ इसके साथ पेयर कर सकते हो, जैसे कि मैंने ट्राई ऑन में किया हुआ है। तो आप अपनी किसी भी साड़ी या फिर किसी भी लहंगे का ब्लाउज़ इसके साथ टीम अप कर सकते हो। कोई भी लहंगा हुआ या फिर कोई भी पार्टी वेयर कपड़े हुए, हम लोग 2 से 4 बार से ज़्यादा नहीं पहनते हैं, तो आप इसे 1-2 यूज़ के बाद इसे एज अ स्कर्ट भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इसका फैब्रिक काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है और आप इसे कुर्ते के नीचे भी पहनोगे तो ये स्कर्ट के जैसा भी काफ़ी सुंदर लुक देने वाला है, देख सकते हो। और मेरी हाइट 5'4" है, मैं हील पर पहनकर इस लहंगे को आपको दिखाऊंगी, तो उस अकॉर्डिंग आप देख सकते हो लहंगे की हाइट काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, तो टॉल हाइटेड गर्ल्स को भी ईजिली आ जाएगा। घेरा मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगी, मीडियम घेरा आएगा। तो ये वाला लहंगा आपको सेमी स्टिच रिसीव होता है एंड बैक साइड से कुछ ऐसा दिखता है। लहंगे में कोई भी कैनकैन प्रोवाइड नहीं की गई है। स्टिचिंग भी मैं काफ़ी अच्छी बोलूँगी, तो फिनिशिंग है लहंगे में, मैं ये नहीं बोलूँगी कि बिल्कुल भी फिनिशिंग नहीं है। तो मुझे तो इसका लहंगा बहुत ज़्यादा पसंद आया। सो गाइज, इसके साथ आपको 2 मीटर का नेट फैब्रिक में ही दुपट्टा रिसीव होता है, देख सकते हो। एंड दुपट्टे के चारों किनारों पर आपको यहाँ पर उसी वेलवेट का बॉर्डर मिल जाएगा एंड बैक साइड से ऐसा दिखता है। तो मैं बोल सकती हूँ कि लहंगे में काफ़ी अच्छी फिनिशिंग है। दुपट्टा उतना लंबा नहीं है, बट अगर आप एक साइड करके लोगे तो ये अच्छा लगने वाला है, उतना भी बुरा नहीं लगेगा। मैं यहाँ सजेस्ट करूँगी कि अगर आप किसी गर्ल के लिए ये वाला लहंगा परचेज करना चाहते हो अपनी फैमिली में, तो डेफिनेटली कर सकते हो। बट अगर आपको खुद के लिए परचेज करना है तो इसका घेरा थोड़ा सा कम है, लेकिन फिर भी अच्छा लगेगा पहनने के बाद। सो गाइज, अगला लहंगा दिखाने से पहले मैं बात करना चाहूँगी इस आउटफिट के बारे में जो मैंने पहना हुआ है। ये भी काफ़ी प्रिटी सा कुर्ता सेट है, काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में है। अगर आपको ये वाला कुर्ता सेट पसंद आ रहा हो तो, अगर इसका वीडियो आ चुका होगा तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, और अगर नहीं आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो जल्द ही आने वाला होगा। इसमें एक कलर और भी आता है,
दोनों ही कलर्स के रिव्यूज मैंने अपने चैनल पर किए हुए हैं, तो दोनों के लिंक अगर वीडियो आ चुका होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। सो गाइज, मेरे चैनल पर चल रही है वेडिंग और पार्टी सीरीज, अगर बाकी के पार्ट्स अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो उन्हें भी चेक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। उसमें भी काफी सारे अमेजिंग आउटफिट्स के ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट लहंगे की तरफ। सो गाइज, ये वाला लहंगा मुझे जितने प्राइस में रिसीव हुआ, यकीन मानिए मैं इसकी जितनी भी तारीफ करूँ उतनी कम ही होगी। तो सबसे पहले मैं इसका ब्लाउज आपको दिखा देती हूँ। डार्क ग्रीन कलर में आपको इसका ब्लाउज रिसीव होगा। एक्सेल डबल एक्सेल वालों तक के लिए इसका कपड़ा इन्होंने दे रखा है, तो एक्सेल डबल एक्सेल वालों तक को भी आराम से इसका ब्लाउज आ जाने वाला है। ब्लाउज का फैब्रिक मैं चंदेरी सिल्क बोल सकती हूँ, देख सकते हो आप पास से, और इस पे पूरा ही चेन स्टिच्ड एम्ब्रॉयडरी का वर्क हो रखा है एज यू कैन सी। तो इसका ब्लाउज भी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, देख सकते हो। ट्रस्ट मी गाइस, जितना प्राइस आप इसके लिए पे कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग वाला लहंगा बहुत ही ज़्यादा प्रीटी है, एंड सबसे अच्छा लगा मुझे इसका कलर कॉम्बिनेशन। अब बात कर लेते हैं इसके लहंगे की। लुक एट द लहंगा गाइस, बहुत ही प्रीटी से येलो कलर में आपको ये लहंगा रिसीव होता है। ये भी लहंगा आपको नेट फैब्रिक में रिसीव होगा। ऊपर के साइड में आपको इतनी चौड़ी सी बेल्ट मिल जाएगी, पूरे ही गैदर्स डाल करके इसकी फ्लेयर बनाई गई है, एंड ट्रस्ट मी गाइस इसकी फ्लेयर काफ़ी अच्छी है, देख सकते हो। नेट की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, एंड ऑल ओवर नेट पर आपको गोल्डन कलर की बूटियाँ मिल जाएंगी एज यू कैन सी। और ये बूटियाँ जो है पूरी थ्रेड की बनाई गई हैं, यानी कि पूरा थ्रेड वर्क है। बहुत ही ज़्यादा सुंदर लहंगा है ये वाला, एंड बैक साइड से आप देख सकते हो अंदर आपको सेंतून फैब्रिक की लाइनिंग भी मिल जाती है। घेरा काफ़ी ज़्यादा अच्छा है इसका एज यू कैन सी, एंड कितने वेस्ट साइज़ वालों तक को ये आ जाएगा मैं स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगी। देख सकते हो बहुत ही प्रीटी लगता है ये वाला पहनने के बाद। इसका कलर तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, एंड सबसे इंटरेस्टिंग है इसका बॉर्डर, देख सकते हो पूरा ही थ्रेड वर्क हो रखा है। बॉर्डर पर भी काफ़ी नीट एंड क्लीन तरीके से वर्क हो रखा है एज यू कैन सी। तो बहुत ही अच्छे तरीके से इसका बॉर्डर भी डिज़ाइन किया गया है। काफ़ी सोबर और सिंपल सा लहंगा है। अगर आपको किसी के हल्दी फंक्शन में पहनना है तो भी आप इस वाले लहंगे को ट्राई कर सकते हो। लुक काफ़ी अच्छा आता है इसका पहनने के बाद, देख सकते हो ट्राई ऑन में आप पूरा लुक देख सकते हो। लेंथ भी काफ़ी अच्छी है इस वाले लहंगे की, एंड गाइस काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट लहंगा है ये वाला। बिल्कुल भी आपको नहीं पता चलेगा कि आपने कुछ लहंगा पहना हुआ है। इसे आप एज अ स्कर्ट भी यूज़ कर सकते हो, बहुत ही सुंदर लगने वाला है। और मैं हाईली रिकमेंड करूँगी इस वाले लहंगे को। इसमें और भी काफ़ी सारे कलर्स आते हैं, आप लिंक से जाकर के चेक कर लीजिएगा तो काफ़ी सारे कलर्स आपको मिल जाएंगे। सो गाइस, इसके साथ आपको येलो कलर में ही नेट फैब्रिक में दुपट्टा रिसीव होता है। 2.25 मीटर का दुपट्टा आपको रिसीव होता है। लेंथ और विड्थ दोनों ही काफ़ी अच्छे हैं दुपट्टे की एज यू कैन सी, एंड चारों किनारों पर आपको यहाँ पर लेस वर्क भी मिल जाता है। फिनिशिंग भी दुपट्टे की काफ़ी अच्छी है, देख सकते हो, एंड हल्की सी शाइन भी है इस कपड़े में। लुक बहुत सुंदर आता है इसका पहनने के बाद। दुपट्टा भी इसका मुझे काफ़ी अच्छा लगा, बिल्कुल भी छोटा नहीं दिया गया है। इस लहंगे को बनाने में इन्होंने बिल्कुल भी कंजूसी नहीं की है गाइस। अंडर 500 ये वाला लहंगा आपको मिल रहा है गाइस। अगर आप बजट में कोई लहंगा चाहते हो तो डेफिनेटली ग्रैब कर लेना, इससे अच्छा पीस आपको डेफिनेटली नहीं मिलने वाला। सो गाइस, मुझे तो ये दोनों ही लहंगे बहुत ज़्यादा पसंद आए। मैंने इतनी उम्मीद नहीं की थी कि इतने कम प्राइस में कुछ ढंग की चीज़ भी मिल सकती है, और ख़ासकर लहंगा अंडर 500 अगर आपको लहंगा मिल रहा है, उसे एज अ स्कर्ट भी अगर आप यूज़ करते हो तो काफ़ी ज़्यादा मल्टीपर्पज़ वेज में आप इन्हें यूज़ कर सकते हो। मुझे तो प्राइस वाइज इनकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा पसंद आई, खासकर ये येलो लहंगे को तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगी। बहुत ही सुंदर लहंगा है। आप जो डिस्प्ले पिक्चर में दिखाया जाता है उस अकॉर्डिंग कपड़ों को जज मत किया कीजिए। जितना प्राइस आप उसके लिए पे कर रहे हो उस अकॉर्डिंग कपड़ों को जज किया कीजिए। मैंने यहाँ पर प्राइस वाइज ही लहंगों की क्वालिटी एंड ऑल आपको बताई है। तो गाइज, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सेफ रहिए, बाय बाय।